हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नाहिद किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। ये मटर पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल मैं आज हलवाई स्टाइल से बनाऊंगी और कुछ टिप्स और ट्रिक जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आप ध्यान से देखिएगा इसको, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर पे बनाया है। बिल्कुल टेस्ट और लुक हलवाई जैसा ही लगेगा। हम घर में कितना भी कोशिश कर लेते हैं कि हलवाई जैसे मटर पनीर बनाए या और कोई सब्ज़ी बनाए, हमसे बनता ही नहीं। लेकिन आज मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाने वाली हूँ, बिल्कुल उसी टाइप से मैं बनाने वाली हूँ जिस टाइप से हलवाई बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीर ले लिया है। पनीर को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, आप छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हो जैसा आपको पसंद हो। मैंने इसको थोड़ा बड़े टुकड़ों में काटा है, मुझे ऐसे ही पनीर पसंद है। तो चलिए यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मटर लिया है, ये मैंने फ्रोज़न मटर लिया है जो फ्रिज में रखते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से रफली स्लाइस में काट लिया है। 100 ग्राम पनीर लिया है तो मैंने 3 प्याज लिया है क्योंकि इसमें ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा लगती है। यहाँ पे मैंने 6 से 7 हरी मिर्च ले लिया है, 1 गांठ लहसुन का ले लिया, 1 इंच अदरक का ले लिया है। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। तो चलिए यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। टमाटर आप लाल लीजिएगा क्योंकि लाल टमाटर से हमारे टमाटर में मीठापन रहता है और ग्रेवी भी अच्छी बनती है और कलरफुल बनती है। तो चलिए टमाटर को पहले स्लाइस में काट लेते हैं। तो चलिए सारे टमाटर को मैंने इस तरह से काट लिया है। अब गैस पे मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और 1/3 चम्मच मैं उसमें नमक डाल दूंगी और 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है ग्रेवी का। तो चलिए सारे टमाटर को मैं इसमें डाल दूँगी और 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। इस तरह से टमाटर को पका के डालने से हमारे ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हमारी सब्ज़ी भी अच्छी बनती है। तो चलिए यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है और इसको थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1/3 चम्मच नमक डाल दिया है और 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और पनीर को मैं इसमें डाल दूँगी और 2 मिनट के लिए मैं इसको गैस पर छोड़ दूँगी। हलवाई लोग इसी ट्रिक से बनाते हैं, टमाटर को पहले उबाल लेते हैं और गुनगुने पानी में पनीर को डाल के निकाल लेते हैं, इससे उनकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए इसी तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए दोस्तों, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब टमाटर को चेक कर लेते हैं। अब हमारे टमाटर हो गए रेडी। अब मैं छिलकों को इस तरह से निकाल लूँगी और इसको अच्छे से ठंडा कर लेने के बाद इसका एक पेस्ट बना लेना है। तो चलिए गैस पे मैंने एक कढ़ाई लिया है, 3 बड़े चम्मच ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें मैं प्याज को फ्राई करूँगी। प्याज को 2 से 3 मिनट तक गोल्डन फ्राई करना है। हलवाई लोग ऐसे ही करते हैं तभी उनकी मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए मैंने इसको गोल्डन फ्राई कर लिया, मैं इसको निकाल लूँगी। आप चाहे तो प्याज टमाटर और अदरक लहसुन को उबाल के भी इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने उसी तेल में 1 चम्मच जीरा ऐड कर दिया है और कुछ खड़े मसाले भी लिए। यहाँ पे मैंने 2 तेज़पत्ता लिया, 10 से 15 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 छोटी इलायची लिया और 1 बड़ी इलायची लिया। इन सभी मसालों को मैं तेल में ऐड कर दूँगी। आप इस मसालों को डालने के बाद इसमें गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों अच्छा आ जाता है। तो चलिए इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड कर दिया है 1 चम्मच, 1 छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने रेगुलर मिर्च ऐड कर दिया है और 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। हल्दी पाउडर आप ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर ऐड कर दिया और 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और थोड़ी सी पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। तो चलिए अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और साथ में ही मैंने टमाटर का जो पेस्ट बना के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो चलिए फ्लेम को अभी मीडियम रखना है। ग्रेवी में बढ़िया टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी पनीर मसाला। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर पनीर मसाला ऐड कर दिया है। आपके पास कोई सा भी ब्रांड का हो वो आप डाल सकते हो, जो आप खाते हो
मेरे पास एवरेस्ट का था तो मैंने इसमें डाल दिया है। तो अगर आपके पास पनीर मसाला नहीं हो तो आप गरम मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो गोल्डन फ्राई करके प्याज रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो चलिए अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डाल देते हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया इसमें। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी। मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, 3 मिनट हो चुका है, तेल भी सेपरेट हो चुका है। मसालों को ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि टमाटर और प्याज तो पहले से ही अच्छे से पक चुके थे। तो चलिए यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मटर लिया है और ये तो पहले से ही गले रहते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप फ्रेश मटर इसमें डालिएगा तो उबाल के डालिए, मैंने इसको नहीं उबाला है क्योंकि ये पहले से ही सॉफ्ट है। और मैंने पानी से पनीर को निकाला तो पनीर एक दूसरे में चिपक गए, आप देख सकते हैं, लेकिन ये ग्रेवी में जाते के साथ निकल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये अब पनीर धीरे धीरे निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं सारे पनीर निकल गए हैं। अब मैं इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी डालूँगी, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी ही पानी डालिए, जैसे रोटी पूरी पराठे के साथ खाने के हिसाब से आप इसमें ग्रेवी डालिए। तो 4 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया है। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे मटर पनीर की सब्ज़ी कितनी डिलीशियस लग रही है, कितनी टेस्टी लग रही है। मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दिया है इसमें और थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, लग रहा है ना बिल्कुल हलवाई जैसा। अब आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट होटल नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही बनाइए, बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट लगेगा आपको खाने में। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी आपको कैसी लगी, और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा मेरी रेसिपी को। तो चलिए दोस्तों एक बार इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करिए और अपने फैमिली के साथ इंजॉय करिए, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।